हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियां आएं। अभी सुबह 6:30 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ मौसमी अनार का जूस। इस वाली मशीन से जब अनार मौसमी का जूस बनाते हैं ना, तो एक तो बहुत जल्दी बन जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। मेरे पास सुजाता की मिक्सर जूसर है, एक दो बार मैंने उसमें बनाया मौसमी अनार का जूस। बन तो उसमें भी जाता है आसानी से, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि एक तो जैसे मौसमी वगैरह छील के और फिर उसके सारे बीज निकालो तब उसमें जूस बनेगा, और बाई चांस अगर एक आधा बीज रह जाता है ना, तो वो उसके अंदर ही पिस जाता है, फिर जूस में उसका कड़वापन आता है। फिर उसको साफ़ करने का भी झंझट बहुत है, उसमें बहुत टाइम लगता है उसको साफ़ करने में, सेट करने में भी टाइम लगता है, लेकिन इसमें ना सेट करने का झंझट है और ना ही साफ़ करने का। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनता है, थोड़ी मेहनत में ये साफ़ हो जाती है। मौसमी अनार का, संतरा है, किन्नू है, इन चीज़ों का जूस इसमें बनाओ, बढ़िया रहता है। तो अभी मैं जूस बना देती हूँ, फिर लगभग 7 बजे मैं लाला को जगाऊंगी, लाला को स्नान इत्यादि करा के, और पहले मैं लाला को जूस का भोग लगा दूंगी, उसके बाद मैं आरती करूंगी। क्योंकि लाला को मैं जगाती थी 8 बजे, लेकिन अब आजकल जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 7 बजे ऐसा लगता है कि जैसे 9-10 बज गए हैं, एकदम कड़क धूप और इतना बड़ा दिन, मतलब ऐसा लगता है 8 बजे तो बेचैनी से होने लगती है कि इतनी देर हो गई है, लाला को टाइम से जगाना चाहिए। और जब मौसम ठंडा होता है, सर्दी होती है, दिन छोटे हो, तब तो 8 कब बज जाते कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये देखिए, लाला मेरे स्नान करके और तैयार होकर बैठ गए हैं, लाला हमारे अब जूस पी रहे हैं। तो मेरे प्यारे से लाला का दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरी राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। और फिर अभी भोग लगाने के बाद फिर मैं आरती कर दूंगी, और आरती करने के बाद फिर लग जाऊंगी मैं अपने रसोई के काम में। क्योंकि जैसे मतलब ये 7 बजे से 2-4 मिनट पहले ही होती है जब मैं लाला को जगाती हूँ, तो लगभग 8 बजे तक फिर सब काम मेरा कम्प्लीट, उसके बाद फिर लग जाती हूँ रसोई काम में। कुछ काम मेरे होते हैं जो मैं लाला को जगाने से पहले ही निपटा देती हूँ जितना बनता है, लेकिन आज तो मुझे सुबह के खाने में घिया का रायता बनाना था, तो फिर मैंने घिया को पहले बॉयल करके रख दिया था। अब मेरी जो घिया है ना, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, क्योंकि आजकल तो कोई भी चीज़ बनाओ ना, उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत गर्मी होती है। और अब बना रही हूँ मैं लाला के लिए माखन। 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी करके जमा देती हूँ, तो 2-3 दिन में ही मेरे लाला को माखन मिश्री का भोग लगता है, क्योंकि जिस दिन ताज़ा मक्खन बनता है उसी दिन मैं मक्खन मिश्री का भोग लगाती हूँ। बाकी दिन तो जैसे फ्रिज में रखा हुआ था ना, रोटी पे रख के फिर लाला को भोग लगाती हूँ। और अभी मैंने जो है दही को भिगो दिया है, मक्खन अभी निकाल लूँगी मैं। फिर घिया का रायता बनाना है, तो कुंडी में मैं 2 मिर्च और नमक इनको कूट रही हूँ, और फिर जो घिया थी बॉयल की हुई, निचोड़ के रखी हुई थी थोड़ी सी, उसको भी मैं इसी में कूट लेती हूँ। फिर जैसे लस्सी तैयार हो जाएगी, कुछ एक बड़ी सी लोटिया दही की मैंने अलग से भर के रखी हुई है, दही मिक्स करके फिर थोड़ी सी उसमें लस्सी डाल के और रायता तैयार हो जाएगा। तो जो काम है वो साथ के साथ निपटा दूंगी। और रिया यहीं पर आसपास ही खेल रही है, खुश हो रही है, कभी मंदिर के पास जाती है, लाला से बात करती है, कभी फिर रसोई में भाग के आ जाती है। रिया बहुत खुश रहती है, उसका गोविंद के साथ बहुत मन लगता है। तो वही निपटा लेती हूँ अपने सारे काम, क्योंकि सुबह सुबह तो इतने काम होते हैं ना कि इधर उधर देखने का टाइम ही नहीं होता। और मान लिया बैठ जाओ थोड़ी बहुत देर के लिए, भाई चलो यहाँ बैठ के 5 मिनट, वो 5 मिनट अंदर निकल जाती हैं, भाई कैसे काम निपटेगा। मेरा तो ये होता है कि एक बार मैं काम में जुट गई तो तभी फुर्सत में बैठती हूँ, जब मेरा सारा काम कम्प्लीट हो जाता है। मेरी ये हैबिट नहीं है कि एक काम किया बैठ गई, एक काम किया बैठ गई, ऐसे में तो फिर काम पूरा दिन फैला रहता है। हाँ, ये अलग बात होती है कि भाई कुछ काम निपटा के अगर मुझे कोई वीडियो वगैरह अपलोड पे लगानी होती है तो वो काम मैं बीच बीच में निपटाती रहती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा जीरा भून लेती हूँ रायते में डालने के लिए, क्योंकि रायते में
मैं जीरा भून के डालती हूँ, इससे रायते का जो स्वाद होता है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जीरा खाने में भी बढ़िया रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दही हो जैसे रायता हो उसमें भून के डाल लो। और अब लग गई हूँ साथ के साथ मैं रोटी बनाने के लिए। तो पहले वाली दो रोटी तो गाय माता के लिए और फिर सासू माँ की थाली मैंने साथ के साथ तैयार कर ली है। तो आप सब भी आइए और हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। और अभी रोटी बना के फिर रसोई की एक बार साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि रोटी बनाऊँगी तब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ यहाँ पे बिखर जाता है, फैल जाता है। तो फिर रसोई को साफ़ करूँगी, फिर मुझे अपना नेक्स्ट काम देखना है। तो रोटी मेरी बन गई, रसोई मेरी साफ़ हो गई और अब मैं बनाऊँगी खीस। जो हरियाणा के होंगे शायद उनको तो समझ में आ जाता होगा खीस क्या है, जो लोग शहरों में रहते हैं शायद उनको नहीं भी पता हो। तो जैसे भैंस होती है ना बच्चा देती है, जो पहला पहला दूध निकलता हो काफ़ी गाढ़ा होता है और उसको गर्म करो तो फट जाता है, उसको खीस बोलते हैं। तो उसकी मिठाई बनती है बहुत अच्छी और सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। जो आपने शहरों में मिठाई की दुकान से कलाकंद खाया होगा वो खीस से बनता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने कल रात को लेकर आए थे विशाल के पापा जी, जिनके घर से दूध लाते ना उनकी भैंस ने बच्चा दिया था तो उन्होंने ही दिया था। तो रात को मैंने इसको पका के और ठंडा करने के लिए रख दिया था। फिर अभी सारे काम से फ्री हो गई ना, अब इसको तैयार करूँगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, क्योंकि ये दानेदार सा हो जाता है ना, ऐसे तो खाने में ये स्वादिष्ट नहीं लगेगा, मिठाई भी नहीं बन पाएगी। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा डाल के और मिक्सी में बिल्कुल इसको बारीक पेस्ट सा बनेगा, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, वरना ये दरदरा है, खाओ तो गले में ऐसा लगेगा अटक जाएगा अगर यूं का यूं खाओ तो। लेकिन अब इसको पीस लेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो इसमें ज़्यादा लगती है, लेकिन ये इस तरह से बनाया हुआ जो खीस होता है ये बहुत अच्छा लगता है और कई दिनों तक ये चल जाता है, बहुत बढ़िया इसकी मिठाई बनती है। तो अब ये था कि चलो भाई मेरा रसोई का सारा काम निपट गया है तो मैं लगे हाथ ये मिठाई का बनाने का जो काम है ये भी कर लेती हूँ। वरना क्या होता है ना, मान लिया अगर मैं ये सोचूँ कि चलो अभी नहीं दोपहर में करूँगी, फिर तो शाम हो जाएगी और शाम के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, कोई वीडियो बनानी है, कोई एडिट करनी है, कोई कुछ करना है। शाम के टाइम के अपने काम होते हैं, फिर शाम की पूजा आरती खाना बनाना, कब दिन जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मैं पीसूँगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सारा मैंने इसको पीस लिया है और पीस के अब इसको मैं घी में भून लूँगी। तो जो सब्जी बनाने वाला बड़ा चम्मच होता है ना, वो दो चम्मच मैंने घी के डाल लिए इसमें, और पिसा हुआ सारा जो खीस था वो मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। और अब मैं इसको घी में अच्छे से पकाऊंगी, फिर इसमें मीठा भी डालूंगी मैं, बीच बीच में ही डाल दूंगी। मतलब सारी क्लिप तो खैर नहीं निकाल पाती हूँ, बीच बीच में से कुछ कट हो जाती हैं। तो इसको मैं फिर मीठा डाल के अच्छे से पकाऊंगी, इतना कि इसकी जब हम इसको ठंडा करके किसी बर्तन में बिल्कुल इसको सेट करके फ्रिज में रखे ठंडा करने के बाद, तो उसकी बर्फ़ी कट जाए आराम से, ऐसा बनाऊंगी। तो बीच में फिर थोड़ा सा मीठा डाल के इसको पकाऊंगी, पकाती रहूंगी। तो ये जितना ढीला ढीला है ना ये टाइट हो जाएगा, चिपकना बंद हो जाएगा मतलब कढ़ाई में, जब क्योंकि घी डाला हुआ है, कुछ नेचुरल घी होता है उसमें खीस में। तो इसमें घी डालने के बाद फिर ये थोड़ी देर तो लगेगा कि चिपक रहा है नीचे, क्योंकि एकदम से इसको हमने पीस के इसमें डाला है ना, तो ऐसे लगेगा कि तो साइडों से चिपक गया, बट थोड़ी सी देर में ही ये चिपकना बंद हो जाएगा। फिर हम इसको जो है कढ़ाई में से ठंडा करके और निकाल के किसी बर्तन में और इसको फैला देंगे, और जब ठंडा हो जाएगा तब इसकी बहुत बढ़िया बर्फ़ी कटेंगे। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही करते करते सब काम निपट जाएंगे और दिन चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है। आप सबके साथ बातें भी ढेर सारी हो गई हैं और काम भी मेरा कंप्लीट हो गया है लगभग। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। और बाई चांस जैसे आप गांव में रहते हो, आपके घर में भैंस है, खीस होता है, तो उस खीस की इस तरीके से आप मज़ेदार मिठाई बना के खा सकते हो। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, आँखों की कमजोरी भी इससे दूर होती है, बहुत बढ़िया होता है, इसको बना के ज़रूर खाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे।